الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم आवाज थोड़ी हल्की करो और ज्यादा गूंज रही है कुछ कम थोड़ी सी कम हजरात उलमाए किराम मुअज्जज हाजिरी और नौजवान साथियों मैं हिंदुस्तान के बस ठीक है मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में आता जाता रहता हूँ सफ़र होते रहते हैं और मुसलमानों के मसाइल मेरे सामने आते रहते हैं मेरे दोस्तों और साथियों अफसोस और दुख की बात यह है कि जहाँ जाओ वहाँ उम्मत की परेशानियाँ सामने आती हैं उम्मत के दुख दर्द को सुनना पड़ता है और ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमत के दरवाज़े बंद कर दिए हैं हर तरफ परेशानियां हैं मुसीबतें हैं मुसलमानों की आहें और उनकी सिसकियां हैं जो फिजाओं में बुलंद होती रहती हैं यही वो मुसलमान कौम है जिसको अल्लाह ने सबसे ज़्यादा मुअज्जज बनाया था और सहाबे किराम को अपने ज़माने की सुपर ताकतों पर अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई थी और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर ताकत अगर कोई थी तो वो मुसलमानों की ताकत थी आज दुनिया की सबसे ज़्यादा जलील और बेइज्जत कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान कौम हमारी इज्जत जिल्लत में बदल गई है हमारी कामयाबी नाकामी से तब्दील हो गई है और हमारी तरक्की के रास्ते बंद हो गए हम हैं कि बेफिक्र सिर्फ और सिर्फ दुनिया कमाने में मसरूफ है मेरे दोस्तों याद रखो अगर हमने आज फिक्र नहीं की इसकी और अपनी जिंदगियों पर गौर करके कमियों को दूर करने की कोशिश नहीं की तो परेशानी और मुसीबत हम में से हर एक के घर में पहुंचेगी और जब खुदा की पकड़ आएगी तो भागने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे मैं आज आपके सामने हूं और आप अल्लाह के घर में
खुदा और रसूल की बातें सुनने के लिए बैठे हैं, आप इस अज़्म से और इस इरादे से सुने कि इंशाल्लाह जो कुछ सुनेंगे जिंदगी के आखिरी सांस तक उस पर अमल की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सुनी अनसुनी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि उम्मत को जगाया नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है कि बयानात नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुरान और हदीस की तालीमात उम्मत के सामने पेश नहीं की जा रही है, नहीं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक ऐब हमारे अंदर पैदा हो गया है कि हम बयानात में शरीक होते हैं, कुरान और हदीस की बातों को सुनते हैं मगर एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। मेरे दोस्तों साथियों, यही बर्बादी की जड़ है। अगर हमने सुन करके अमल करना शुरू कर दिया तो वो खुदा जो आज नाराज है वो फिर से राजी हो जाएगा। हमने सुन करके अमल करना शुरू कर दिया तो कामयाबी के जो दरवाजे बंद हैं वो फिर से खुल जाएंगे। अगर हमने सुन करके अमल करना शुरू कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दुश्मनों को हमारे सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। अब बताओ अमल के लिए तैयार हो कि नहीं? इंशाअल्लाह। ये थोड़ी देर का जोश काफी नहीं होगा, उम्मत को जोश दिलाना आसान है लेकिन जोश के खत्म होने के बाद उनको काम पर आमादा करना मुश्किल होता है। ठंडे मत हो, इस अज़्म को अपने दिलो दिमाग में बिठाओ कि इंशाअल्लाह अपनी और अपने आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए हम हर तरह का जोखिम उठाने को तैयार हैं। अपनी ख्वाहिशात को दबाएंगे, अपनी चाहतों को कुर्बान करेंगे और अल्लाह और रसूल की तालीमात पर अमल करेंगे। मैं आपके सामने एक हदीस पेश करता हूँ। एक सहाबी हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया और फरमाया मन याखुदु अन्नी हाउलाइल कलिमात फयअमलु बिहिन्न औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्न। फरमाया, मजमा लगा हुआ था, फरमाया कौन है जो मुझसे चंद नसीहतों को सीखे। और इतना कहने के बाद दो शर्तें लगा दी आपने कि मुझसे इन नसीहतों को वही सीखे जो दो शर्तों पर अमल करे। पहली शर्त यह है कि मुझसे इन नसीहतों को वो सीखे जो अमल करने के लिए तैयार हो। हर आदमी सीखने के लिए ना आए, जो अमल के लिए तैयार हो वो सीखे। और दूसरी शर्त क्या लगा दी? फरमाया वो सीखे जो खुद भी अमल करे और इन नसीहतों को सुन करके दूसरों तक पहुंचाने का काम करे। जो इन दोनों शर्तों पर अमल करने के लिए तैयार हो वो खड़ा हो और मुझसे इन नसीहतों को सीखे। सीखने के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी खुद अमल करे और सीखने के बाद दूसरी जिम्मेदारी है कि दूसरों तक पहुंचाए। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अभी कोई और जवाब नहीं दे सका, इससे पहले मैंने जवाब दिया और कहा अना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, मैं उन नसीहतों को सुनने, सीखने, उन पर अमल करने और उनको फैलाने के लिए तैयार। देखो, नबी ने इन नसीहतों को सुनाने से पहले ये दो शर्तें लगाई थी कि वही इन नसीहतों को सीखे जो खुद भी अमल करे और इनको दूसरों तक पहुंचाए। उन्हीं दो शर्तों को मैं आपके सामने भी रखता हूं। आप भी ये तय करो कि हम खुद भी अमल करेंगे इन पर इंशाअल्लाह और हम दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अपने घर वालों तक पहुंचाएंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे,
اپنے ملنے جلنے والوں تک پہنچائیں گے, جیسا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں شرطوں کو قبول کیا, اسی طرح آپ بھی ان دونوں شرطوں کو قبول کیجئے کہ ہم سیکھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی پہنچائیں گے. کیا ہیں وہ نصیحتیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي, پھر آقا نے میرا ہاتھ پکڑا, وَعَدَّهُنَّ خَمْسًا, اور آقا نے مجھ کو پانچ نصیحتیں. یہ نصیحتیں ایسی ہیں جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہیں. یہ نصیحتیں ایسی ہیں جو ہر آدمی اپنے گھر میں لکھ کر کے لٹکائے اور ایسی دیوار پر لٹکائے کہ صبح و شام اور دن و رات جس پر اس کی نظر پڑتی ہے. کتنی اہم نصیحتیں ہیں. ان نصیحتوں کو سننے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھو کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھ لو, رمضان کے روزے رکھ لو, حج کر لو, زکات دے دو, ہم سے بڑا جنت کا ٹھیکیدار کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھو یہ بھول ہے, یہ غلط ہے. نماز روزہ حج زکات یہ فرض ہے, کرو, لیکن نجات کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے. جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے, روزہ رکھنا ضروری ہے, مالدار کو حج کرنا اور زکات دینا ضروری ہے, اسی طرح کچھ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. اگر آدمی کچھ گناہوں سے نہیں بچے گا تو یاد رکھو اس کی نمازیں ضائع ہو جائیں گے, اس کے روزے ضائع ہو جائیں گے, اس کا حج اور اس کی زکات برباد ہو جائے گی, اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے. تو آقا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پانچ کام کر تو اللہ تیری ہر نیکی کو قبول فرمائے گا اور تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. وہ پانچ کام ہیں کیا؟ میں ایک ایک کر کے ذکر کرتا ہوں, لیکن آپ سننے سمجھنے کے بعد یہ عزم کریں کہ ہم عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے. فرماتے ہیں سب سے پہلی نصیحت, فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ, آؤ میں تمہیں عبادت گزار انسان بننے کا ایک نسخہ بتاتا ہوں. آؤ میں بتاؤں کہ تم کیسے عبادت گزار انسان بن سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں عبادت گزار وہ ہے جو راتوں میں اٹھ کے تہجد پڑھے. ہم یہ سمجھتے ہیں عبادت گزار بندہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور ہر وقت وہ اللہ اللہ کہتا رہے. یاد رکھو تہجد پڑھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے, لیکن عبادت گزار بندہ بننے کے لیے تہجد پڑھنے, تسبیح پڑھنے, نوافل پڑھنے, ذکر و اذکار کرنے کے علاوہ بھی ایک کام کرنا ضروری ہے, صرف ایک کام. اگر آپ نے نمازیں پڑھی, تلاوت کی, ذکر کیا, تہجد پڑھی, لیکن وہ ایک کام نہیں کیا تو آپ عبادت گزار بندوں میں شامل نہیں ہو سکتے. وہ ایک کام ہے کیا؟ فرماتے اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ, اگر تم اللہ کے عبادت گزار بندے بننا چاہتے ہو تو زندگی کے ہر قدم پر ہر حرام سے بچنے کی کوشش کرو. خدا اپنے عبادت گزار بندوں کی فہرست میں تمہارے نام کو شامل کر دے. تم تہجد بھی پڑھتے ہو لیکن حرام میں بھی مبتلا ہو, تم ذکر و اذکار بھی کرتے ہو لیکن حرام کام بھی کرتے ہو, تم اللہ کی عبادت بھی خوب کرتے ہو لیکن حرام سے اپنے دامن کو نہیں بچاتے, تو یاد رکھو کتنی ہی نمازیں پڑھ لو, کتنے ہی تہجد پڑھ لو, کتنا ہی ذکر کر لو, کتنی ہی تلاوت کر لو, جب تک حرام سے نہیں بچو گے خدا کے عبادت گزار بندوں میں تمہارا نام شامل نہیں ہوگا. علماء یہ بات کہتے ہیں
कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो जमा का है महारिम, बहुत से हराम से बचो। क्या मतलब बहुत से हराम से? कि इस बात का अहद करो कि जिंदगी के आखिरी सांस तक मैं आंख के हराम से बचूंगा, अपनी आंखों का मिसयूज नहीं करूंगा, कानों के हराम से बचूंगा, कान से कोई गलत बात नहीं सुनूंगा, जबान के हराम से बचूंगा, जबान से कोई नाजायज कलमा नहीं निकालूंगा, अपने पेट को हराम खाने से बचाऊंगा, अपने जिस्म को हराम कपड़ों से, हर हराम से बच। तो अल्लाह इबादत गुजार बंदों की फहरिस्त में तेरे नाम को शामिल कर। मेरे दोस्तों, जितने साथी बैठे हैं या जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हर एक अपने गिरेबान में झांके कि मैं हराम से बचता हूं कि नहीं बचता। जो हमारा जी चाहता है हम अपनी जबान से बोल देते हैं। बताओ, आज मुसलमान झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? बोलो भाई, मुसलमान एक दूसरे की गीबत करता है कि नहीं करता? आज हमारा नौजवान मोबाइल का मिसयूज कर रहा है कि नहीं कर रहा? रातों में 3-3 बजे तक ब्लू फिल्में पिक्चरें मोबाइल पर देखी जा रही हैं, और न बाप को इसकी फिक्र है न माँ को इसकी फिक्र है। अल्लाह का अजाब नहीं आएगा, बर्बादी और तबाही नहीं आएगी तो क्या आएगा? आज मुसलमान सिर्फ माल और दौलत को कमाने में मसरूफ है, उसको हराम और हलाल का फर्क भूल चुका है। हर तरह के नाजायज कामों में मुसलमान मुब्तला है। मेरे दोस्तों और साथियों, अल्लाह के इबादत गुजार बंदों की फहरिस्त में हमारा नाम शामिल कैसे हो सकता है? झूठ मुसलमान बोलता है, धोखा मुसलमान दे रहा है, वादा खिलाफी मुसलमान करता है, दूसरे का पैसा मुसलमान मारता है। बताओ, उम्मत किस तरह बर्बादी की तरफ चल रही है? हकीकत यह है कि अगर आज हमें पेट भर खाने को मिल रहा है, सब छुपाने की जगह मिल रही है और चैन से सुबह शाम गुजर रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत का नतीजा है, वरना हमारे पास कोई अमल नहीं। और मेरे दोस्तों, मैं एक अजीब व गरीब वाकया आपको सुनाता हूँ। देखो, मुसलमान कहाँ खड़ा हो गया। मुझसे एक साहब कहने लगे, हमारे शहर के करीब का वाकया है, कहने लगे कि मेरे पैसे, एक मुसलमान बता रहा, कहता मेरे पैसे एक हिंदू कारोबारी की तरफ निकल रहे थे, और वो हिंदू पैसे देता नहीं था, कहता था सुबह को दे दूंगा, शाम को दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों पर पैसे ही नहीं देता था, महीनों गुजर गए। तो ये मुसलमान भाई कहता है कि मैंने मालूमात की कि इस हिंदू का ताल्लुक कौन से मंदिर के पुजारी से है। पता चला कि ये फना पुजारी का चेला है। तो ये मुसलमान उस मंदिर पर पहुंच गया और पुजारी से कहा कि आपका फना चेला है, उसकी तरफ मेरे पैसे निकल रहे, और 6-7 महीने हो गए वो पैसे नहीं दे रहा, मैं चाहता हूं आप सिफारिश कर लें, मेरे पैसे दिलवा दें। वो कहने का, अच्छा बैठो। अंदर गया, थोड़ी देर में आया, हाथ में उसके एक पर्चा था लिपटा हुआ। उसने कहा, ये पर्चा पकड़ो, इसको खोलना मत, और ले जाके मेरे चेले को दे दो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। उसने वो पर्चा लिया और उसके चेले के पास गया और उसको वो पर्चा दिया कि तुम्हारे गुरु ने ये पर्चा दिया। उसने पर्चा खोला, पढ़ा और उसको बिठाया, घर के अंदर गया, उसके पैसे गिने और लाके उसके हाथ में पकड़ा दिए कि ये तेरे पैसे हैं, ले जा। उसने वो पैसे पकड़ लिए, फिर कहने लगा, ये बताओ कि तुम्हारे गुरु ने उस पर्चे में लिखा क्या था। तुम 6 महीने से मुझे तला रहे थे
और आज जैसे ही तुम्हारे पास गुरु का पर्चा पहुंचा तुमने फौरन पैसे ले लिए, उसने लिखा ज्यादा पर्चे। तो वो हिंदू कहता भाई तेरे पैसे मिल गए तू जा, तुझे इससे क्या मतलब। कहते हैं मैंने इसरार किया कि नहीं, तुम मुझे बता कि उसने क्या लिखा। जब इसरार किया तो वो क्या बोलता है, वो कहने लगा कि मेरे गुरु ने ये लिखा था कि ए मेरे फना चेले ये बता कि तू मुसलमान कब से हो गया है। धोखा देना, दूसरे के पैसे मारना, बेईमान करना तो मुसलमानों का काम है, तू मुसलमान कब से हो गया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिम। मेरे दोस्तों शर्म से गर्दन झुक जाती है और हम ये कहने पर मजबूर हैं कि उसने पक्के सच्चे मुसलमान को नहीं देखा। मुसलमान अगर सच्चा और पक्का है तो वह अपनी जान तो दे सकता है मगर किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों लोगों की जबानों पर ये जुमले आ रहे हैं, इसकी वजह हमारा अपना खराब किरदार है। आओ हम तय करें कि इंशाल्लाह जिंदगी के हर कदम पर हर हराम से बचने की कोशिश करें। जबान से निकले तो सही बात निकले, पेट में जाए तो हलाल का लुकमा जाए, कारोबार हो तो जायज तरीके से हो, मोबाइल का यूज हो तो जायज तरीके से हो, हर हराम से अपने दामन को बचाओ तो अल्लाह के इबादत करने वाले बंदों में खुदा तुम्हारे नामों को शामिल कर। क्यों भाई इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी नसीहत, आपने फरमाया वर्दा बिमा कसम अल्लाह लक तकुन अग्ना नास। देखो ये भी अजीब और गरीब नसीहत है। आपने फरमाया ऐ अबू हुरैरा लोगों से कह दो कि आए वो मेरे पास, मैं उनको मालदार बनने का नुस्खा सिखाता हूं। अरे भाई हर एक चाहता है मालदार बन जाए, सारी दुनिया माल के पीछे ही तो दौड़ रही है। आका फरमाते हैं कि आओ मालदार बनने का नुस्खा मैं तुमको सिखाता हूं। ऐ अल्लाह के नबी कोई इंसान मालदार कैसे बन सकता है। देखो ये नुस्खा अजीब और गरीब है, इसको समझने से पहले एक बात समझो कि मालदार कहते किसे हैं। क्या मालदार वो होता है जिसके पास बैंक बैलेंस खूब हो? मालदार वो है जिसके पास बेहतरीन घर और कीमती गाड़ियां हो? मालदार वो है जिसके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हों और लंबा चौड़ा कारोबार हो? नहीं, मालदार वो नहीं है। मालदार किसको कहते हैं याद रखो, मालदार वो है कि जिसके दिल को अल्लाह चैन और सुकून की अनमोल दौलत से भर दे, उससे बड़ा मालदार कोई हो नहीं सकता। तो आका क्या फरमाते हैं कि अगर तू मालदार बनना चाहता है, चैन और सुकून की अनमोल दौलत को हासिल करना चाहता है तो उसका नुस्खा मैं तुझको बताता हूँ। फरमाते हैं कि मैं तुमको उसका नुस्खा बताता हूँ। ए अल्लाह के नबी क्या नुस्खा है उसका? फरमाते हैं वर्दा बीमा कसम अल्लाह लक तकुन अग्ना नास। फरमाते हैं उसका नुस्खा ये है कि रब्बे जलाल ने जो रुपया पैसा, जो जमीन जायदाद, जो कारोबार तुझको दे रखा है, तू उस पर खुशी से उसको कबूल कर ले और अल्लाह का शुक्र उस पर अदा कर, खुदा तेरे दिल को चैन और सुकून की दौलत से भर देगा। तू दूसरे को मत देख, तू अपने आप को देख। अगर तू अपने से आगे निकले हुए को देख लेगा और उससे मुकाबला करने लगेगा तो तेरा चैन और सुकून खत्म हो जाएगा। तेरे पास एक बेडरूम का फ्लैट है, तू उसको मत देख जिसके पास दो बेडरूम का फ्लैट है। तू उसको देख जिसके पास एक बेडरूम का फ्लैट भी नहीं है। तू उसको देख जो फुटपाथ पर रात गुजारते हैं। तू उसको देख जिसको सर छुपाने की कोई जगह ही नहीं मिली, तो तेरे दिल में शुक्र के कलिमात पैदा होंगे और तू कहेगा कि ऐ रब तूने मुझे लाखों लोगों में से अच्छा इंसान बनाया है, हजारों में से तूने मुझे बेहतर जिंदगी अता की है। जब तू
اپنے سے پیچھے رہ جانے والوں کو دیکھے گا تو تیری زبان پر شکر کے کلمات آئیں گے. اور خدا کیا کہتا ہے کہ جب تو میری نعمت پر شکر ادا کرے گا تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اور اگر تو نے دو بیڈ روم والے کو دیکھا کہ اس کا فلیٹ مجھ سے اچھا ہے تو گویا خدا نے جو تجھ کو دیا تھا تو اس کی ناشکری کر رہا. تو یاد رکھ خدا تجھ سے اگر یہ بھی چھین لے گا تو کہاں جائے گا. خدا کہتا ہے میں ناشکروں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہوں اور کفران نعمت کرنے والوں کو اپنی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہوں. تو میرے دوستو 99 کے پھیرے میں مت لگو, جو تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کرو. کاروبار کرو, محنت کرو, جدوجہد کرو, جائز طریقے سے رزق حلال کمانے کی فکر کرو, مگر کسی کو دیکھ کر کے لالچ میں مبتلا مت ہو, کسی کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش مت کرو, بلکہ خدا سے کہو جو تو نے مجھ کو دیا ہے میں دل کی گہرائیوں سے اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. ورنہ ہوگا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی ایک کمزوری بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں انسان دنیا کا حریص ہوتا ہے, لالچ ہوتی ہے اس میں. کتنی لالچ ہوتی ہے, ایک دکان چل رہی ہے آدمی پھر چاہتا ہے دوسری دکان, دوسری ہو گئی تو چاہتا ہے تیسری دکان, ایک فیکٹری چل رہی ہے تو چاہتا ہے دوسری بنے, دوسری بن گئی تو چاہتا ہے تیسری بنے. حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر سونے اور چاندی سے بھری ہوئی ایک وادی دے دی جائے انسان کو تو وہ چاہے گا کہ اس طرح کی ایک اور وادی اس کو مل جائے. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے, بقیہ کوئی جیو نہیں بھر سکتی. اس لیے میرے دوستو کسی کو دیکھ کر کے آہیں مت بھرو, کسی کو دیکھ کر کے لالچ میں مبتلا مت ہو. فرمایا تم اپنے سے آگے بڑھ جانے والے کو مت دیکھو, اس کو دیکھو جو تم سے پیچھے رہ گیا. تو خدا تمہارے دل کے اندر شکر کے جذبات کو پیدا کرے گا, اور جب تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ اس کی برکت سے تمہارے دل کو چین و سکون کی دولت سے بھر دے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو چین و سکون کی انمول نعمت سے مالا مال فرمائے, اور ہمیں شکر کے کلمات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے. میرے دوستوں اور ساتھیوں تیسری نصیحت, اور دیکھو بڑی اہم نصیحت ہے. تو پہلی نصیحت یہ تھی کہ اگر عبادت گزار انسان بننا چاہتے ہو تو زندگی کے ہر قدم پر ہر حرام سے بچنے کی کوشش کرو. دوسری نصیحت تھی کہ اگر چین و سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو جو خدا نے تم کو دیا ہے اس کو خوشی سے قبول کر کے اس کا شکر ادا کرو. اور تیسری نصیحت فرماتے ہیں وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. فرماتے ہیں اگر تم پکے سچے مؤمن بننا چاہتے ہو تو آؤ اس کا طریقہ میں تم کو سکھاتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں مؤمن وہ ہے جو ایمان کی محنت میں لگا ہو, ایمانی تقاضوں پر عمل کرتا ہو, زندگی بھر دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہو. ٹھیک ہے یہ بھی اچھے کام ہیں کرنے کے, کرو, لیکن ابھی پکے مومن نہیں ہو. اے اللہ کے نبی پکا مومن کیسے ہوگا آدمی؟ دیکھو عجیب بات, ہم میں سے ہر ایک گریبان میں جھانکے ہم کہاں کھڑے ہیں. فرماتے ہیں پکا مومن, اگر تم پکے سچے مومن بننا چاہتے ہو تو آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک ہر انسان کے لیے وہی پسند کروں گا جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. اگر تو اپنے لیے عزت کو پسند کرتا ہے تو کبھی کسی کو بے عزت اور ذلیل مت کر. اگر تو اپنے لیے کامیابی کو پسند کرتا ہے تو کبھی کسی
کے کامیابی میں روڑا مت اٹکا. اگر تو اپنے لیے چین و سکون کو پسند کرتا ہے تو کبھی کسی کے چین و سکون کو بربادی کے گھاٹ مت اتار. جو کچھ تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی سارے جہان کے لیے پسند کرنے والا بن تو اللہ تجھ کو ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں ترقی ملے تو صرف ہمیں ملے، کسی اور کو نہ ملے. کامیابی ملے تو صرف ہمیں ملے، کسی اور کو نہ ملے. عزت ملے تو صرف ہمیں ملے، کسی. ہم تو دوسروں کی ٹانگ کھینچنے کا کام کرتے ہیں. مسلمانوں، اپنے گریبان میں جھانکو. اگر ہم میں سے کوئی کاروبار میں آگے بڑھتا ہے تو ہم خوش ہونے کے بجائے دکھ محسوس کرتے ہیں. کوئی ترقی کرتا ہے تو ہمارے سینے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے. کسی کو عزت ملتی ہے تو ہماری رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ ہم اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہیں، دوسرے کے سکھ سے پریشان. اور یہی چیز وہ ہے جو خدا کی رحمت کے دروازے کو بند کر دیتی ہے. اگر تم کسی کو سکھ نہیں دے سکتے تو تم کسی کو دکھ پہنچانے کا بھی حق نہیں رکھتے. فرماتے ہیں وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تمام انسانوں کے لیے وہ پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر ہم اس فلسفے کو سمجھ لیں تو ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہوگا، ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہوگا، ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہوگی، ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا نہیں ہوگا، ہمارا دل بغض و عناد اور دشمنی سے پاک اور صاف ہوگا. لیکن آج مسلمان کا دل حسد سے، بغض سے، عناد سے، دشمنی سے بھرا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی بھی ہے، مسجد کے اگلی صف میں دکھائی دیتا ہے، ہر سال عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، مگر دل اس کا سیاہ ہے. تو اپنے دل کو اپنے جیسے انسانوں سے چھپا سکتا ہے، مگر اپنے دل کی سیاہی کو اپنے رب سے نہیں چھپا سکتا. میرے دوستو، جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں تو ایمان کامل ہمیں عطا کر دیا جائے. دیکھو، میں ایک بزرگ کا واقعہ تمہیں سناتا ہوں. جو اپنے لیے پسند کرتے تھے وہی دوسرے کے لیے. ایک بزرگ اپنی دکان پر بیٹھے تھے، ایک گاہک آیا. اس نے 500 روپے کا نوٹ ان کو دیا اور کچھ سامان چاہا. انہوں نے اس نوٹ کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا اور وہ جو سامان مانگ رہا تھا، جو چیز خریدنے آیا تھا، وہ اٹھائی اور اس کو دے دی. جب وہ خریدار چلا گیا تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے دوستوں نے ان سے کہا کہ یہ تو 500 کا نوٹ جعلی آپ کو دے گیا ہے، یہ تو جعلی کرنسی ہے، آپ نے یہ لے لی اور اس کو وہ مال بھی دے دیا. فرمایا کہ میں نے اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا تھا تو میں پہچان گیا تھا یہ جعلی نوٹ ہے، میں پہچان گیا تھا، مگر میں نے پھر بھی وہ لے لیا اور اس کو وہ مال دے دیا جو مانگنے آیا تھا. کیوں؟ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ اگر میں اس کو یہ نوٹ واپس کر دوں گا تو یہ میرے علاوہ کسی اور کو دھوکا دے گا، اور میں دوسروں کو دھوکے سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے یہ نوٹ میں نے قبول کر لیا. کتنا بڑا دل تھا اس آدمی. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یاد رکھو، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام جبر و استبداد سے نہیں پھیلا، اسلام ظلم و زیادتی سے نہیں پھیلا. اسلام پھیلا ہے تو بہترین اخلاق اور عمدہ کیریکٹر سے پھیلا ہے. آج وہ کیریکٹر ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ کیریکٹر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. یہی وجہ ہے کہ دوست بھی دشمن بن گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اپنے بھی ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں.
मेरे दोस्तों साथियों, आओ आज से तय करें कि इंशाल्लाह हम अपनी जबान से, हाथ से, अमल से कभी किसी को नाहक कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और जो हम अपने लिए पसंद करेंगे वही दूसरे के लिए पसंद करेंगे। आप किसी दुकान पर बैठे हो, कारोबार कर रहे हो, एक दूसरा मुसलमान भाई भी वो कारोबार करना चाहता है लेकिन वो डरता है, उसके लिए वो नया मैदान है, तो वो सोचता है फला भाई ये काम कर रहा है, चलो मैं उससे मशवरा करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि अगर मैं ये काम करूँ तो मेरे लिए कैसा है। वो आपके पास मशवरे के लिए आता है। अब शरीयत आपसे क्या कहती है? शरीयत कहती है जो मशवरा देना वो सच्चा मशवरा देना, गलत मशवरा मत देना। अब वो मशवरा करने आया, जैसी दुकान आपकी है वैसी दुकान वो खोलना चाहता है, तो आप सोचते हैं कि अगर इसने भी वैसी दुकान खोल ली तो मेरे ग्राहक तो बट जाएंगे, मेरी बिक्री आधी आधी हो जाएगी। तो अब आप उसे मशवरा देते हैं कि बहुत खराब लाइन है, मैं तो बड़ी मजबूरी में चला रहा हूँ, अगर तुम आ गए तो अलावा नाकामी और परेशानी के कुछ नहीं होगा, खुदा तो देख रहा है तेरा जाहिर क्या है, तेरा बातिन क्या है, खुदा की पकड़ आएगी तो तेरी दुकान पे भी ताला पड़ जाए। तो सही मशवरा दे और तेरे मशवरे के बाद वो दुकान खोलता है, खोलने दे, जो तेरी तकदीर में है वो तुझी को मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। ये तो ईमान की कमजोरी की बात है मेरे दोस्तों। ये इस्लाम की तालीमात है जिनको मुसलमान भूल चुका है, सोचता है नमाज पढ़ लो मस्जिद में आ जाओ, उससे बड़ा जन्नत का ठेकेदार कोई है ही नहीं। अरे तू अपने किरदार को सही कर, तभी नमाजें भी कबूल होंगी, तभी तेरी दीन की हर मेहनत कबूल होगी। तो आओ आज से तय करें कि जो हम अपने लिए पसंद करेंगे वही सबके लिए पसंद करेंगे, और जो हम अपने लिए ना पसंद करेंगे कभी उसका मशवरा दूसरे को नहीं देंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तीसरी नसीहत, चौथी नसीहत मेरे दोस्तों, वो भी बड़ी अहम है। फरमाते हैं चौथी नसीहत क्या है? वअहसिन इला जारिका तकुन मुस्लिमन। फरमाते हैं कि अबू हुरैरा आओ मैं तुम्हें बताऊं कि एक इंसान पक्का सच्चा मुसलमान कैसे होगा। देखो इससे पहली वाली नसीहत में था कि पक्का सच्चा मोमिन कैसे बनेगा, और अब फरमाते हैं पक्का सच्चा मुसलमान कैसे होगा। साहब हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, हमसे बड़ा मुसलमान कौन है? कहते नहीं, पक्का सच्चा मुसलमान कौन है? नमाज भी पढ़, रोजे भी रख, हज भी कर, जकात भी दे, लेकिन एक बात का और ख्याल रख, तभी पक्का सच्चा मुसलमान बनेगा। ए अल्लाह के नबी वो क्या बात है? फरमाते हैं तो आज से इस बात का अहद कर कि जिंदगी के आखिरी सांस तक अपनी जबान से, अपने हाथ से, अपने अमल से कभी अपने पड़ोसी के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, तो अल्लाह पक्के सच्चे मुसलमानों की फहरिस्त में तेरे नाम को शामिल करे। तू नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, हज भी करता है, जकात भी देता है, लेकिन हर वक्त तेरी अनबन तेरी पड़ोसियों से रहती है, कोई पड़ोसी तेरी शरारत से महफूज नहीं है। याद रख तेरी कोई इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। पड़ोसी हिंदू भी हो सकता है, पड़ोसी मुसलमान भी हो सकता है, पड़ोसी रिश्तेदार भी हो सकता है, हर पड़ोसी पड़ोसी है, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर एक के साथ अच्छा सलूक करना ये इंसान के पक्के सच्चे मुसलमान होने की दलील है। कलकत्ता हो या कोई और शहर, मुसलमानों के महलों में पहुंच जाओ तो ऐसा लगता है हर पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के गिरेबान पर हाथ है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े। ये तो इस्लाम की तालीम नहीं है। याद रखो आज अगर हिंदू हमसे और आपसे मुतनफिर हो रहा है तो हमारे बुरे किरदार की वजह से मुतनफिर है। वो कहता मुसलमान ऐसे होते हैं, वो तो धोखा भी देते हैं, वो तो झूठ भी बोलते हैं, वो तो बेईमानी भी करते हैं, वो तो छोटी छोटी बातों में लड़ाई और झगड़ा भी करते हैं, वो तो अपने पड़ोसियों के साथ बदसलूकी करते हैं, ऐसे मुसलमान होते हैं।
तो हमें ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए। पहले कैसे मुसलमान थे, अब से 50-60 साल पहले इसी मुल्क का हाल क्या था, जब कोई हिंदू मुसलमानों के महल लेने आता तो वो अपनी साइकिल खड़ी करते वक्त उसमें ताला नहीं लगाता था और ये कहता था ये मियां लोगों की गली है, साइकिल जहां खड़ी कर दूं ना मुझे वहीं खड़ी मिलेगी, कोई इसको हाथ भी नहीं लगाएगा। और आज मियां लोगों की गली में अगर ताला लगा के खड़ा करो तो ताला समेत साइकिल गायब हो जाएगी। ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है मेरे दोस्तों और साथियों। अफसोस है कि उम्मत कहां खड़ी। फरमाते हैं वो अहसिन इला जारी का तकुन मुस्लिमन, और देखो पड़ोसी का कितना हक है। यही वजह है कि आज हमारे दरमियान इत्तेहाद नहीं है, क्योंकि पड़ोसी जब पड़ोसी से लड़ेगा तो बताओ सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आ सकेंगे। और हमारे दरमियान इत्तेहाद न होने की वजह से फिरका परस ताकतों ने हमारे वोटों को बेहैसियत बना दिया, हमारे वोटों का वजन खत्म हो गया। क्यों? इसलिए कि इनमें एका है ही नहीं, इनके वोटों को बांट दो और फिर उनकी हवा खत्म हो जाएगी, उनका वजन बिखर जाएगा। आज यही हो रहा है मेरे दोस्तों और साथियों। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, अगर किसी का अपने पड़ोसी से इख्तिलाफ चल रहा है तो ये तय करो कि यहाँ से उठकर पहली फुर्सत में जाकर मैं अपना झगड़ा अपने पड़ोसी से ख़त्म करूँ और अपने अच्छे किरदार को पेश करके उससे अपने मामलात को साफ कर लूँगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी चीज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचवी नसीहत की हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को। मैंने कहा था कि यह हदीस सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल है। नमाज रोजे के बारे में बहुत सुनते हो, ज़कात व हज के बारे में बहुत सुनते हो, लेकिन अपने किरदार को बनाने के बारे में बहुत कम सुनाई देता है। जरा इस रिवायत के को अपने ऊपर लागू करके देखो कि हम कहाँ खड़े। पांचवी जी फरमाते हैं वला तुफ्सिर अल-बह फइन्न कसरत अल-बह की तुमीत अल-क़ल्ब। जवानों सुनो, आका क्या कहते हैं पांचवी नसीहत, फरमाते हैं हर एक के सीने में दिल है और ये दिल पावर हाउस की हैसियत रखता है। इस दिल के अंदर ये खूबी है कि ये इंसान को गुनाहों पर टोकता है। जब कोई गलत काम करोगे तो दिल धड़केगा तेजी से, गोया दिल आपको रोकने की कोशिश करता है, और जब कोई अच्छा काम करोगे तो दिल खुश होगा। ये दिल के अंदर खुदा ने एक ताकत रखी है। दिल हर गलत बात पर आपको टोकेगा धड़केगा, लेकिन मेरे दोस्तों अगर दिल को जिंदा रखना चाहते हो और उसके धड़कने की सिफत को बाकी रखना चाहते हो तो एक गुनाह से बचो, वरना यह दिल गुनाहों पर धड़कना छोड़ देगा। और जब गुनाहों पर धड़कना छोड़ देगा तो इंसान गुनाह की दलदल में गर्दन तक फंस जाए। ये दिल गुनाहों पर धड़कना कब छोड़ देता है और कब मुर्दा हो जाता है, आप फरमाते हैं अगर तू इस दिल को मुर्दा होने से बचाना चाहता है और इसको जिंदा रखना चाहता है तो एक काम कर। ये आका वो काम क्या है, फरमाते हैं वला तुक्सिर अल-बह, फरमाते हैं हर वक्त हंसने ठट्टा लगाने और कहकहा मारने से बच तो अल्लाह तेरे दिल को महफूज रखे। और अगर तू हर वक्त हंसता रहेगा, बात बात पर कहकहे लगाता रहेगा, घंटों दोस्तों के साथ खड़ा होकर हंसी मजाक करता रहेगा तो इसका नतीजा ये निकलेगा तेरा दिल मुर्दा होगा।
अब गुनाहों पर दिल धड़केगा नहीं, तो गुनाह पर गुनाह करेगा तेरे दिल पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि दिल मुर्दा हो गया। जब नौजवान यहां बैठे हैं, जब नौजवान इकट्ठे हो जाते हैं तो बातें शुरू होती हैं, हंसी मजाक का दौर चलता है और कई कई घंटे हंसने में और कहकहा लगाने में गुजर जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि दिल मर जाता है। अब एक भी अच्छी बात का दिल पर असर नहीं होता और किसी बुरी बात का खौफ दिल में पैदा नहीं होता। दिल मर गया तो अब तेरे पास कोई चीज नहीं है जो तुझे बुराई से बचा सके और नेक राह पर चलने के लिए तुझे आमादा कर सके। याद रखो, जिस दिल में मौत का खौफ होगा, जिस दिल में कब्र का मंजर होगा, जिस दिल में खुदा के सामने खड़े होने होकर जवाब देने की फिक्र होगी, वो दिल कभी हंसने में और कहकहा लगाने में और ठट्टा लगाने में मसरूफ नहीं होगा। तो हर वक्त हंसता रहता है, ये इस बात की दलील है कि मौत का खौफ तेरे दिल से निकल गया। हर वक्त कहकहे लगाता रहता है, गोया कब्र का मंजर तो भूल चुका है। हर वक्त हंसता रहता है, खुदा के सामने खड़े होकर जवाब देने का डर तेरे दिल से निकल चुका है, तो तेरा दिल मुर्दा हो गया। इस दिल को मुर्दा होने से बचा, वरना आज की एक घंटे की नहीं, तीन तीन घंटे की तकरीर भी तेरे दिल पर कोई असर नहीं। और आज यही हो रहा, लोग बयाना सुनते हैं, तकरीरों में आते हैं, प्रोग्रामों में शरीक होते हैं और जब उठते हैं तो दामन झाड़ के उठ जाते हैं, किसी बयान का दिल पर कोई असर नहीं। क्यों? दिल मुर्दा हो चुका है। मेरे दोस्तों और साथियों, अपने आप को इन पांचों बातों का आदि बनाओ। और ये पांच नसीहतें हैं जिनको मैं फिर से शुमार करता हूँ। सबसे पहली नसीहत ये कि जिंदगी के हर कदम पर हराम और नाजायज काम से बचो तो इबादत गुजार बंदों में तुम्हारा नाम शामिल हो जाए। नंबर दो, खुदा ने जो कुछ तुम्हें दिया है उस पर खुदा का शुक्र अदा करो और लालच में मत पड़ो, अल्लाह तुम्हारे दिल को चैन और सुकून से भर देगा। नंबर तीन, तुम जो कुछ अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। हसद से, बुग्ज और इनाद से अपने दिलों को पाक और साफ करो तो अल्लाह तुम्हारा नाम कामिल मोमिनों की फहरिस्त में शामिल कर दे। नंबर चार, हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो तो तुम कामिल मुसलमान बन जाओ। और पांचवी नसीहत कि अपने दिल को मुर्दा होने से बचाओ। हर वक्त कहकहा लगाना, बहुत ज़्यादा हंसना, बहुत ज़्यादा ठट्टा लगाना, इससे बचो वरना दिल मर जाएगा। और जब दिल मर जाएगा तो किसी खैर की बात का, किसी तकरीर का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक से मालामाल फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ने में हमारे यहाँ पे तकरीबन डेढ़ महीने से मुहर्रम से ही तालीम बालिगा के नाम पर जो उम्र दराज लोग हैं वो कुरान सीख रहे हैं। की तरफ से कुछ तायदी कलिमा दिया उनके हौसला अफजाई। चलो, क्या नाम है आपका? शब्बीर अहमद। मौलाना शब्बीर अहमद साहब फरमाते हैं कि हमने बड़ी उम्र के लोगों के लिए कुरान सीखने और दीनी तालीम को हासिल करने का एक निज़ाम बनाया है। ये बहुत मुबारक निज़ाम है। बड़ी उम्र के लोग जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा उनके लिए ये बेहतरीन मौका है, वो इन क्लासेस में शरीक हों, कुरान को पढ़ें, अल्लाह के कलाम को हासिल करें।
आपकी दुनिया भी बनेगी, आपकी आखिरत भी बनेगी। एक जगह हमने तालीम बालिगान का, जैसे इन्होंने निज़ाम किया है, हमने एक जगह प्रोग्राम बनाया और बड़ी उम्र के लोगों को जमा किया, किसी की उम्र 50 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 70 साल है और कुरान नहीं पढ़ा। उनसे कहा कि भाई आओ कुरान सीखो, तो एक बड़े मियाँ खड़े हो गए, कहने लगे कि साहब 70 साल की मेरी उम्र है, अब मैं कुरान सीखने के लिए बैठूं तो मुझे यकीन नहीं है मैं पूरा कर पाऊंगा, हो सकता है एक दो साल में मेरी वफात हो जाए, तो फिर मेहनत करने और सीखने से फ़ायदा क्या है। तो मैंने एक उनको जवाब दिया था, वो मैं आपके सामने भी रखती हूँ। मैंने कहा आप अहद करने की मैं पढ़ूंगा और कल से आप बिस्मिल्लाह करने के लिए आए और पढ़ाई शुरू कर दें, पढ़ाई शुरू करने के बाद अगर कुरान मुकम्मल होने से पहले वफात हो गई तो मुझे यकीन है कि कल मैदान महशर में खुदा कुरान पढ़ने वालों के साथ आपका हश्र करेगा। वो तो आपका इरादा देखता है, आपने इरादा कर लिया तो पढ़ने वालों में आपका नाम शामिल हो जाएगा। इसलिए आपसे भी मैं कहता हूँ इसमें हिस्सा लें और जहाँ तक हो सके रोज़ाना थोड़ा वक्त निकाल करके पढ़ें। रोज़ाना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने जहाँ चला रखा है वहाँ शिकायत मिलती है कि लोग दो दिन आए तीन दिन गायब, कहते हैं भाई आज पोता बीमार हो गया, कल नवासा बीमार हो गया, आज मेहमान आ गए, आज यहाँ चले गए, आज वहाँ चले गए। नहीं, रोज़ाना पढ़ो, चाहे दो लाइन पढ़ो, चाहे आधा सफ़ा पढ़ो, मगर रोज़ पढ़ो, ताकि आपका ताल्लुक अल्लाह की किताब से मजबूती से जुड़ जाए। जो भाई अमल करोगे इस पर, اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا وفيرا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنيا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اے اللہ تو بڑا رحیم ہے تو بڑا کریم ہے تو بڑا معاف کرنے والا ہے اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں آج تک کی زندگی میں ہم سے بہت گناہ ہوئے اے اللہ تو ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہمارے باطن سے بھی واقف اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اے رب ہماری توبہ کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے جوڑ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں ہر طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما اے اللہ امت کی جان مان عزت و آبرو کی حفاظت فرما دین و ایمان کی حفاظت فرما مسجدوں مدرسوں کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما دینی جماعتوں اور تنظیموں کی حفاظت فرما دین کی خدمت کرنے والوں اور دین سیکھنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہم نے تیرے نبی کی جو نصیحتیں سنی ہیں اس پر عمل کا ارادہ رکھتے ہیں اے اللہ تو ہماری ارادے کو قبول فرما ہمارے لیے عمل کی راہوں کو آسان فرما اے اللہ ہم نفس اور شیطان کے مکر و فریب میں پھنسے ہوئے ہیں تیری مدد کے بغیر ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہے اے اللہ تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما
اے اللہ ہمیں ہمارے لیے عمل کی راہ کو آسان فرما, اے رب ہر حرام سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہر گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہر ناجائز کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. لالچ سے اے اللہ دوسروں پہ کہ دیکھا دیکھی لالچ میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے اس کو خوشی سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شکر گزار بندوں میں ہمارے ناموں کو شامل فرما. اے اللہ ہمیں تمام انسانوں کے لیے وہی چیز پسند کرنے والا بنا دے جو ہم اپنے لیے پسند کریں. اے اللہ ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچا لے, حسد سے بچا لے, دشمنی سے بچا لے, بغض و عناد سے بچا لے, اور جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی سارے جہان کے لیے پسند کرنے والے بن جائیں. اے اللہ تو ہمیں ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرما, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما, بد سلوکی سے بچنے میں ہماری مدد فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرما, ان کو مردہ ہونے سے بچا لے. اے اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما, موت کی فکر نصیب فرما, قبر کی فکر نصیب فرما, میدان محشر کی فکر نصیب فرما, اور دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر آخرت کو بھول جانے والوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور کفیل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رحمتہ